श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में सूर्या कुमार यादव 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर दोस्तों आउट नहीं थे क्योंकि गेंद नो बॉल थी। 15 घंटे बाद मैच का बड़ा खुलासा हो चुका है। आप भी देखना चाहते हो क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए 162 रन। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी रही, जिसमें ईशान किशन ने 37 रन लगाए, मगर दोस्तों शुभम गिल मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए और सूर्या कुमार यादव ने 7 रन पर आउट हुए। संजू सैमसन मात्र 5 रन पे आउट हो गए। हालांकि दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने 29 रन लगाए मगर वो भी आउट हो गए। फिर दोस्तों मैदान पर आया दीपक हुड्डा का तूफान। दोस्तों दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों में एक चौका और 4 गगनचुम्बी छक्कों की मदद से 41 रन की तूफानी ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसमें दीपक हुड्डा ने पहला छक्का लगाया 16वें ओवर की 4थी गेंद पर, दूसरा छक्का लगाया 5वीं बॉल पर, लगातार 2 छक्के जड़े, जिसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और छक्का लगाया। फिर दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर रक्षिता की गेंद पर दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ करके इतिहास रच दिया। 162 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 160 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इस मुकाबले को आखिरी गेंद पर टीम इंडिया ने 2 रन से जीत करके इतिहास रचा। दोस्तों इस मैच के हीरो किंग किसको मानते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।